कभी कभी हौसले को यह समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए, तब खौफ समझ जाता है कि उसके आने का वक्त आ गया है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा के बारे में, जिसे कोराताला सिवा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में हमें जूनियर एनटीआर के साथ सैफ अली खान और जानवी कपूर भी देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि आरआरआर के बाद ये एनटीआर की अगली फिल्म है जिसे पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। फिल्म को लेकर नॉर्थ और साउथ सभी जगह क्रेज बना हुआ है। फिल्म के मेकर्स ने अनाउंस किया था कि ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होगी, लेकिन अब मेकर्स ने इस फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। ये फिल्म 10 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अगर ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होती तो इसका क्लैश अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां से होता, जिसकी वजह से फिल्म का हिंदी कलेक्शन काफी कम रहता। इसी वजह से ये फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म के जरिए बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर तमिल इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही है। ये पहली बार होगा जब जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। फिल्म को 2 पार्ट में बनाया जाएगा। फिल्म की कहानी तटीय भारत की भूली हुई भूमि पर बेस्ड है। फिल्म में काफी हाई लेवल के एक्शन सीन दिखाए जाएंगे। फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस के बीच फिल्म को लेकर काफी क्रेज बना हुआ है। फिल्म का पहला पार्ट 10 अक्टूबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, आप जूनियर एनटीआर की इस फिल्म को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।